तो आई एम ईयर एट दी कड़ाई एम से चाय प्रॉपर्टी एक्सपो ट्वेंटी फोर विच इज़ हैिंग एट जियो कन्वेंशन सेंटर बी आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं एक ऐसे स्टॉल पे आया हूँ और एक ऐसे डेवलपर को मिल रहा हूँ और एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जिसकी थीम और जिसकी फाउंडेशन और जिसकी कोर वैल्यूज जो है वो बहुत ही अलग हैं हटकर है इनकी हट कंपनी का नाम का मतलब भी बहुत डीप रूटेड है स्पिरिचुअलिटी से इन्होंने रियल एस्टेट को जोड़ा है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं बात कर रहा हूँ सुरेश गा जी के साथ जो चेयरमैन डेवलपर हैं ट्रायम रियलिटी के नमस्कार थैंक यू मुझे गुजराती आती नहीं है बट बिकॉज आप आज हम एक उस शहर के बारे में बात कर रहे हैं सूरत के बारे में जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है डायमंड ब्राउस है वहाँ पे उसका ओपनिंग हुआ है और गुजरात का ये एक मोस्ट वाइब्रेंट सिटी है सो right. so, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है थोड़ी बहुत मैं गुजराती में कोशिश करूँगा बात करने की तो सुरेश भाई आज जरा तुम्हारे जो नाम है मत, मतलब सूच है तो बहुत आनंद लग रहा है मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है ઓર થોડા બહુ મેં આપણે સમય બિતાઈન સ્પીરિચલિટી ફીલિંગ આ રહી ક્યાં હૈકા મતલબ સો ટ્રાય ઓમ આપણે એનો બાવા થયો થાય ટ્રાય મીસ થ્રી ઓમ આપણે એક પાટ ટ્રાયને આગ બંધ કરીને કોઈ વાત કરે છે ઓમ ઓમ અને ઓમ અને એનું ઉચ્ચારણ રિપીટેશન કરે તો મેડિટેશન થાય એટલે ટ્રાય ઓમનો મિનિંગ એક થાય છે કે મેડિટેશન થાય એવી જગ્યા મેન્ટલ હેલ્થ ડિવાઇન અને નેચર સાથે ડિવાઇન બાય નેચર અમારું ટેગલાઇન છે નેચર બેક ટુ નેચર સાથે મેડિટેશન કરો અને જે મનને શાંતિ મળે એનો મિનિંગ થાય છે સેકન્ડ મિનિંગ થાય છે ટ્રાય મિસ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ ટ્રાય અને ઓમ યાની ઓમ નમઃ શિવાય હોમ નમઃ સો એનો મિનિંગ અમારો બીજો થાય એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ નામ છે અને બહુ સરસ અમને

अल्ट्राटेक द्वालिटी का कंस्ट्रक्शन डबल टफिंग ग्लास ये बेस्ट जेगोर यानी बेस्ट क्वालिटी आप बताएरी बना रहे हैं बहुत सुंदर तो, तो मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइए ना इसका साइज बताइए इसका स्केल बताइए क्या इसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग है राइट right. सो so, हमेरा तीन प्रोजेक्ट है तीन कैंपस अलग अलग है हमने कैंपस फाइव बी के यानी अल्ट्रा लग्जरी कैंपस दिया है सिटी हार्ट ऑफ द सिटी वेसो बोला जाता है सो so, मुंबई में जैसे जू और बांद्रा बोला, बोला जाता है इसे सूरत में वेसो बोला जाता है वो एरिया में मेरा प्रोजेक्ट्स है उसमें साइज़ है फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड स्क्वायर फीट टू

And And uh, 2703 BHK. So there there. is a two size over there. And third also 3 BHK campus, 10 towers. So, तो आपने ये अलग अलग बनाए तो हाँ, आपने, अलग अलग हाँ, आपने एक कैंपस में तीन अलग अलग क्वाल नई किए आपने एक thoughtful, सोच समझ कर स्ट्रेटेजी बनाई है जो बिजनेस क्लास बहुत हमने अच्छा। तो अलग छोटा अच्छा। अच्छा। सा है तो सूरत अभी वैसे भी चर्चा में है गुजरात चर्चा में है इंडिया चर्चा में है ग्रोथ स्टोरी चल रही है इंडिया की हाईवेज बन रहे हैं पोर्ट्स बन रहे हैं एयरपोर्ट्स बन रहे हैं इंडिया अपग्रेड हो रहा है बायर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है खागी आपका क्या विचार है एज़ अ डिवेलपर आपको क्या लग रहा है ये 2024 जो का जो साल है इसमें आपके प्रस्पेक्टिव से आ, सूरत के बारे में टीयर टू सिटीज़ के बारे में और भारत के बारे में जो एक एक नया एक जोश आया है कि हम जो पहले मेट्रोज में ही घर लेते थे, थे बॉम्बे दिल्ली अब हम नॉट ओनली वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट बट वी आर ऑल्सो हैविंग दिस यू नो पीपल आर शिफ्टिंग सब बिजनेसिस के हिसाब से भी लोग शिफ्ट कर रहे हैं जो थोड़े बहुत उम्र के हिसाब से भी रिटायर करना चाह रहे हैं जिनके बच्चे कुछ बाहर हैं तो इसके बारे में जरा आप बता सकते हैं कि आपकी क्या विचार है आपकी क्या सोच है और आप कितना इसमें बिलीव करते हैं इसमें मेरा सोच बहुत सिंपल मुंबई के लिए पर्टिकुलर जो मुंबई रहते हैं उसमें फर्स्ट बेनिफिट है कि बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रहा है विथ इन टू और थ्री ईयर्स उसके अंदर आपका वन आवर में आप सूरत पहुंचेंगे बुलेट ट्रेन से ट्रेवलिंग करने से कहां कनेक्शन से दिया जा रहा है वो भी फुल फ्लस काम है वो भी दो तीन साल में इंटरनल अरे एंड बुलेट ट्रेन यहाँ से मुंबई टू तो सूरत एंड इंटरनल मेट्रो होगा तो आई थिंक वन एंड हाफ आवर्स में कोई भी डेस्टिनेशन मुंबई टू एंड डेस्टिनेशन पहुंच सकते नंबर वन सेकंड है डायमंड आ रहा है नरेंद्र मोदी जी ने अभी जस्ट इनोग्रेशन किया तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑफिस हैं एंड उसके अंदर अगर अगर ये बेकार से वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइकॉनिक बिल्डिंग है।, है वो आप भारत का एक बोलते है ना अंग है बहुत यानी बहुत आइकॉनिक बोला जाएगा और ये डायमंड के जो भी सेल्स ऑफिस बी में रहा है वो सब वहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है तो उसका जो मेजर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑफिस अगर वहाँ आता है और मिस घर भी लेते हैं तो ऑलमोस्ट नाइन थाउजेंड नाइन्टी था मिस दैट इज़ द हाउस गोइंग टू तो बी नाइनटी डिमांड रहेगी फुल डिमांड रहेगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ बहुत अच्छा है और मेरा डायमंड मुझसे ओनली फाइव मिनट्स का दोनों प्रोजेक्ट का अंतर है एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और और बात करें तो मित्तल जी बड़ सबसे बड़ा स्टील प्लांट वो पे अजीरा में लेकर आ रहे हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से आर्मी छः से सात किलोमीटर दूर है तो बहुत पोटेंशियल है सूरत में और ग्रीन सिटी का अवार्ड मिल चुका है सेफेज सिटी का भी है वो क्लियरिटी ले चुके हैं तो सूरत के पोटेंशियलिटी काफ़ी है तो मैंने आपसे अभी बात कर रहा था तो आपने बताया आपने बॉम्बे में भी ऑफिस खोला है और आप बॉम्बे भी रेगुलरली आ रहे हैं हाँ जी तो आपके कितना परसेंटेज जो आपकी सेल्स है आपके तीनों प्रोजेक्ट में बॉम्बे को कितना शेयर आप मार्केट शेयर समझते हैं कि यहाँ से बायर जो है आपके प्रोजेक्ट में लेंगे जो मेरा जो पर्सनल टाइम का कस्टमर क्लाइंटेज का थर्टी परसेंट जो है मुंबई से है उसमें भी मैं इन्वेस्टर जो है वो टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट है और टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट जो है वो सेकंड होम के हिसाब से आ रहे हैं और फ्यूचर में वो वहाँ पर रहना चाहते हैं उस तरह से और अभी जो डायमंड बोस के वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट एडीस बिजनेस जो डायमंड के रिलेवेंट है और वहाँ सिर्फ करेंगे फ्यूचर में सो ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मुंबई क्या स्ट्रेटेजी है क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है आ, आपने क्या एक टारगेट कर रखा है क्योंकि ज़्यादातर गुजराती जो है वो सेकंड होम लेंगे वहाँ पर वो रिटायर होंगे कुछ उनके पुराने कनेक्ट होंगे कुछ ऐसे फैमिलीज होंगी जो सूरत से बाहर निकल गए थे आ, पैसे कमाने के लिए चाहे मुम्बे आए हों चाहे दिल्ली गए हों चाहे दुनिया के अलग अलग कोने में गए हों अब शायद उनको एक लग रहा है कि अब हम वापस इसको बोलते रहें घर वापसी यार होम कॉलिंग होता है तो क्या बॉम्बे के कुछ ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप एज ए एज एजे ब्रांड टारगेट कर रहे हैं सी मेरा मेन है डायमंड बस अभी फिलहाल क्योंकि डायमंड के काफ़ी लोग माइग्रेट होने और मेजर माइग्रेशन आ रहा है नेक्स्ट टू टू थ्री इयर्स में तो हमारा मेन डायमंड बोर्स का या भारत डायमंड बोर्स है वो आप टारगेट है नंबर वन दूसरे जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है और एक आ, वो लोग हमारे टारगेट जोन में आते हैं क्योंकि वो ज्वेलरी पार्क भी बन रहा है वो भी है थर्ड है इन्वेस्टर्स जो जो जिसको इन्वेस्ट करना और रिटर्न समझो बैंक से डबल इनकम मिले तो उ... ये बहुत अच्छी बात लग रही है सुरेश भाई क्योंकि पेंडेमिक के बाद बहुत जो इन्वेस्टर्स थे वो गायब हो गए थे हाँ जी हम एक सो कॉल्ड एंड यूजर मार्केट पे चले गए तो उसकी बहुत अच्छी बात है लेकिन ये लगता है कि जो टीयर टू सिटीज़ की जो ग्रोथ हो रही है क्योंकि टीयर वन सिटी और मेट्रो सिटी में अप्रिसिएशन की जो संभावना है वो बहुत कम हो गई है सैचुरेशन आ गया सैचुरेशन आ गया क्योंकि आपका कॉस्ट वैसे ही इतना महंगा है सूरत में क्योंकि अभी आपने बताया कि आपका डायमंड ब्रोस आ गया है आपकी ज्वेलरी पार्क आ रही है आपके इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है बुलेट ट्रेन आ रहा है जिसके वजह से अगले एक डेढ़ दो साल में जब इन प्रोजेक्ट बन रहा है या बनते हुए ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिक उसकी एक कैपिटल अप्रीशिएशन ऑटोमेटिकली हो जाती है मैं उसके बारे में बहुत आ, इन्वेस्टर है या जो 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 सुन रहे हैं उसके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि सूरत में मुंबई से वन थर्ड या वन फोर्थ प्राइस में रियल एस्टेट की आ, प्राइजिंग है और अगर वहाँ यहाँ समझो वन बी एच के यहाँ बेच रहे तो वहाँ फोर बी एच के ले सकते हैं अभी यहाँ एक बेडरूम बेचे और वहाँ पर आर बेडरूम फोर बी एच के मिल जाएगा और अम्यूनिटीज के साथ स्विमिंग पूल जिम तो ये एक सपना यहाँ के लिए मुंबई के लिए सपना है वहाँ सूरत के लिए हकीक़त है तो ये एक कड़वा सच है और इन्वेस्टर के लिए भी मैं एक मानता हूँ बैंक ब्याज जो देती है छः आठ टका उससे टू टाइम टू थ्री टाइम थ्री टाइम में बोलूंगा उसको रिटर्न मिल रहा है नेक्स्ट फाइव टेन ईयर्स बिकॉज जो प्राइस राइज हो रहा है जो डिमांड है स्टील का बड़ा वर्ल्ड का प्लांट मित्तल जी ला रहे हैं डायमंड बोस आ रहा है एंड हजीरा वेल डेवलप हो रहा है बहुत अच्छे लेवल से तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एज ए डिवेलपर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डिवेलपर अपने एक माइक्रो मार्केट अपने एक शहर में अच्छा खासा नाम करते हैं और यूजली फिर वो एक्सपेंड करते हैं तो सुरेश भाई आपका ऐसा कोई विचार है कि आप सूरत में ही अपना घर बना लिए ઓર કદાચ સુરત બેરોગે કે જો આપકો એક ઓપોર્ચ્યુનિટી અ દેલી આર બોમ્બે મે આતી હે આર પુના મે આતી હે આ વહા પે સોચ વિચાર કરોગે કે તમે સૂરત ઈ બરોબર છે અહીંયા જમવાનું છે અહીંયા કમાવાનું છે સો ગુજરાતી ભાઈને ખાસ તો એવું છે બિઝનેસ કરતા વડે સો રૂપિયા નાખીને કેટલું રિટર્ન મળે છે એના પર જોવામાં આવે મેં અમને એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે વન ફોર્થ પ્રાઇઝિંગ સુરતનો રિયલ એસ બરોબર છે એકદમ અમે ચાર પ્રોજેક્ટ કરીએ અને મુંબઈમાં એક પ્રોજેક્ટ કરીએ બરાબર કહેવાય એટલે અમે ઇન ધેટ સેન્સ વી આર કમિંગ ટુ મુંબઈ તમે મુંબઈ આવજો વી આર કમિંગ મેરા થોડા સા ડાયવર્સિફાઈડ કરેંગે તો બધા પહેલી વાત તો સર સુરેશભાઈ આપ પહેલે મુંબઈ વાળો કોઈ સુરત ભેજ રહ્યો વાપસ મુંબઈ આગળ બિલ્ડિંગમાં ખેંચ રહે ને આમ કો ખેંચ રહે મુંબઈ વાળે ખેંચ રહે મુંબઈ વાળે રહે बोले कि आप करो आप मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत बॉन्डिंग हुई है तो वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप करिए एंड uh, यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत भी है आल्सो देयर आई थिंक पूरे भारत देश Park. इंडिया जो इस वक्त एक पॉलिटिकल पॉजिटिव uh, एक आउटलुक चल रहा है इलेक्शंस 2024 के इलेक्शंस कुछ महीने बाद होने वाले और उसमें शायद किसी को डाउट नहीं होगा हाँ जी देख सरकार वापस आ रही है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है श्रीराम का पूरा श्री राम बहुत का, बहुत का बहुत और मेरे ख्याल से जो भारत की जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है ग्रोथ स्टोरी है और ये चलने वाली स्टोरी है आज इंडियन रियल एस्टेट जो है वो एक बहुत ही अलग स्पीड पकड़ ली है और आप ही का एग्जाम्पल है तीन चार साल पुराना ब्रांड ऑलरेडी आप इतना बढ़िया काम सूरत में कर रहे हैं और आप मुंबई आने की बात कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए एज ए डेवलपर चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो बायर हो 2024 के लिए आपका क्या संदेश है 2024 बहुत अच्छा जाएगा रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के लिए और अदर आ, जो भी कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा जाएगा क्योंकि अभी जो भारत का जो विज़न जो नरेंद्र मोदी जी जो अगर आ रहे हैं तो एक उसका तो, क्लियर विजन है क्लियर विजन है के इंडिया को कहा लेके हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, है। आप एक भी देख लो, तो मैं बात करूं जो में, में तो हो तो इनकम लेवल ज्यादा होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और अपग्रेडेशन कोविड के बाद जो मेजर जो चेंजेस आया जो हमने देखा जो थ्री बी के में रह रहे थे वो फोर बी एच के का टू नेचर जा रहा है रह अच्छा घर चाहिए एम्यूनिटीज चाहिए लाइफ जीना चाहते हैं अभी। तो ये point of view, में काफी डिमांड है चाहे वो मुंबई हो चाहे वो सूरत हो चाहे कोई भी इंडिया का पार्ट है वेरी गुड रियल एस्टेट बहुत अच्छा जाएगा uh, कैपिटल ज़रा बारे में बात करते हैं, जो भी आज आपका एक प्राइस uh, पॉइंट है दो हजार चौबीस दो हजार पच्चीस में आपने कारण बता दिए कितना परसेंटेज आ, आपको लगता है कि कैपिटल अप्रीसीशन सूरत में और आपके प्रोजेक्ट में होने वाला है से मेरा प्रोजेक्ट जो हम या मुंबई में कारपेट चलता है तो कारपेट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा टेन थाउजेंड से लेके इलेवन थाउजेंड का मिड कैटेगरी का प्रोजेक्ट है आई थिंक ईयर टू ईयर ट्वेंटी परसेंट का राइज मुझे दिख रहा है एंड पैरान मेरा जो अगर प्राइस uh, uh, आज का जो टेन टू इलेवन है अगर हम तीन साल में पोजेशन दे रहे हैं तो वहाँ तक वो फिफ्टीन थाउजेंड की एक्सपेक्टेशन है और दूसरा रेन पार्ट

कंस्ट्रक्शन तो मतलब आप कहने का मतलब ये कि जो हमारे ये टीयर टू सिटीज सूरत आपके जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है बॉम्बे बहुत, बहुत में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो एक ये बात हो गई दूसरी बात जब आप रियल की बात करते हैं यू नो आप महादेव की बात कर रहे हैं तीनों भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो वास्तु का क्या रिलेवेंस है आपके हिसाब से एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट में और जो हम घर लेते हैं वास्तु का क्या प्रभाव है और क्या इम्पोर्टेंट वास्तु एक साइंस है हवा एंड ओजास यानी हवा मीन्स एंड एंड लाइट इन दोनों अगर प्रॉपर है तो वहाँ एक ऑक्सीजन लेवल एंड एन एनर्जी लेवल बहुत अप रहता है और मैं मानता हूँ अमेरा एक दूसरा है कि उसके साइंटिस्ट होते हैं जो हमारे सूरत में बेस्ट वास्तु कंसल्टन है गुरुदत्त वो साउथ से बट आई थिंक 80 परसेंट वेसु में उसका कंप्लाइस वास्तु कंप्लाइस हो करते हैं देखते हैं तो वो हमारे तीनों प्रोजेक्ट में हंड्रेड परसेंट वास्तु कम्प्लेस हुआ है और वो उसको कर। अपने आपका वास्तु है चार वैल्यू जो मेरे वन फर्स्ट इज अरिचुअलिटी वैल्यू है सेकेंड हैिटी ये चार पिलर पेर हुई है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए मैं अभी कभी सूरत आया नहीं हूँ आप आप तो मुझे तो थोड़ी गुजराती भी सीखनी पड़ेगी आई थिंक आप तो अच्छा बोल लेते आपसू बात करो जो साहब बाबा थोड़ी गुजराती से थोड़ा सीख लेंगे गुजराती बॉम्बे में रहने के बाद भी थोड़ी गुजराती कम आती है लेकिन सीखेंगे और गुजराती जो है मीठा बोलते हैं और मीठा भी खाते हो और हमारे प्रधानमंत्री भी जो है गुजरात से हैं और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है yes. तो हमें भी खुशी है और महाराष्ट्र और गुजरात का तो पुराना एक नहीं, नहीं, है ना दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है वहाँ पे सूरत में भी सब माइग्रेशन महाराष्ट्र से काफ़ी लोग हैं एवं महाराष्ट्र में गुजरात के काफ़ी लोग हैं और मे बी दिस इज द एक बॉन्डिंग है दूसरे के लिए तो आप गुजराती में कुछ बोलें सर आपके हिसाब से जो ना ये थोड़ा ऑफ हो जाएगा आपको अगर कोई कविता आती हो या कोई शेर आता हो या कोई भी एक ऐसा एक गुजराती लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहेंगे तो जरा तो मने भी मजा आर तो खेलू चुना खेलू छू थोड़ा आप कुछ बताएंगे कोई गुजराती गाना आता है आपको कविता है एक वस्तु गुजराती मोदी एक बहुत सरस एक पॉइंट कहो કે લોચ ગુજરાતનો લોચો અને તમે પછી તમારું જે કામ બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ક્યારેય લોચો ન હોય ખાવામાં લોચો પણ બિઝનેસમાં ક્યારેય લોચો ન હોય એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ સુરત વોટ ઇઝ અ ગુજરાત ખાનામાં લોચોનો મતલબ શું લોચો એ ના બન્યો કંઈક ભૂલથી બનાવવામાં એ બની ગયો ખમણની જગ્યાએ લોચો બની ગયો નાવ ઇટ ઇઝ અ ફેમસ આઈટમ બહુ સરસ એક

ये आज पहला दिन था कैसा लगा आपको एग्जीबिशन और दो दिन और है कल और परसों और जिस तरह आपकी सोच है जिस तरह आपने ब्रांड इतनी मेहनत से बनाया और जो आपके कोर वैल्यूज़ हैं तो हमारे तरफ से सेच आई की तरफ से और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से आपको शुभकामनाएं थैंक यू और आप प्रोग्रेस करें और बॉम्बे आए तो हमें भी अच्छा लगेगा और आई थिंक ये जो क्रॉस बॉर्डर आप बिजनेस एनवायरमेंट शुरू हो गया है इंडिया में yeah. वो देश के लिए अच्छा है भारत के लिए अच्छा है और हम सब बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए थैंक यू और बुलेट ट्रेन के लिए वेट नहीं करूंगा जितना जल्दी हो सकता है yeah. Yeah. अभी रोड से अगर मैं आऊँ बॉम्बे से तो कितना टाइम लगेगा आवर्स आवर्स चलो चलो आ थैंक बड़ा मजा भी गया आई लव योर यू वेरी मच द इंडियन रियल स्टेट इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं कि इतना मजा आ रहा है Right. और ये जो एक नया सोच नया दौर और एक नया परस्पेक्टिव से आप डेवलपर्स नए डेवलपर्स जो आ रहे हैं यही इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगा और बहुत खुशी हुई और बहुत आनंद आया बात you. करते थैंक यू थैंक यू